आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको आधार कार्ड में नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस गलत है और वो जो है परेशान हो चुके हैं। आधार सेंटर जाते हैं तो वहाँ पे आधार सेंटर ही बंद रहता है या गांव घर में तो कई कई महीने आधार सेंटर बंद रहते हैं। तो UIDAI ने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है जिससे बहुत ही आसानी से आप घर बैठे नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस जो है खुद से ही घर बैठे 50 रुपये में आप कर सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही साथ में क्या करना है, आपको इस बेल के बटन को प्रेस कर देना है। बेल के बटन प्रेस करने से ये होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि अगर आपके आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस कुछ भी गलत है तो आप कैसे उसको करेक्शन कर सकते हैं, मतलब उसको कैसे आप सुधार कर सकते हैं बिना इधर उधर भाग दौड़ किए, बिना दुकान में जाए, बिना साइबर कैफे में जाए, बिना आधार सेंटर जाए। आपको घर बैठे 85 रुपये में ये काम आप खुद से ही कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिसका आधार कार्ड गलत है, उसमें नाम गलत है और उसका डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का तो एड्रेस गलत है या किसी का नया नया शादी हुआ है तो वो अपने हस्बैंड का नाम जुड़वाना चाहती हैं। अगर उसको नहीं हो रहा है कि किस तरीके से अपने आधार कार्ड में सुधार करेंगे तो ये वीडियो देखने के बाद जो है बहुत ही आसानी से वो घर बैठे ये काम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे किस तरीके से आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से आप घर बैठे बिना आधार सेंटर जाए, बिना इधर उधर भाग दौड़ किए, बिना किसी को पैसा दिए आप खुद से ही 85 रुपये में अपने आधार कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे कि किस तरीके से अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन, कोई भी सुधार आप कैसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधार कार्ड के न्यू पोर्टल से मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन, कोई भी सुधार आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको टाइपिंग करना है UIDAI.gov.in। यहाँ पर देखिए UIDAI का वेबसाइट जो है यहाँ पे आ चुका है, उस पर क्लिक कीजिए। आपके सामने कुछ इस तरीके से UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपके सामने ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि myaadhar.uidai.gov.in, आपको इस पे क्लिक कर देना है, यहाँ ओके वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है UIDAI का न्यू जो वेबसाइट है यहाँ पे आपके सामने में इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, ये कैप्चा है, कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है। इस सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पे OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे डाल के आपके लॉगिन वाले पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन करते यहाँ पे देखिए आपके सामने में कुछ इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट जो ओपन होकर आ चुका है, जो अभी जो है UIDAI लॉन्च किया है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि आप जो है अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप जो है PVC आधार कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पे जो है अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख रहे हैं कि VID मतलब वर्चुअल ID नंबर यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन में KYC भी कर सकते हैं और अपना पेमेंट हिस्ट्री यहाँ से आप जो है देख सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन, कोई भी सुधार करना है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन आ जाता है, आपको इसको रीड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं प्रोसीड टू अपडेट आधार है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से अपना लैंग्वेज है सुधार कर सकते हैं, यहाँ पे अपना नाम जो है सुधार कर सकते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से जेंडर और यहाँ से आप एड्रेस। जैसे अगर आपको नाम में गलती है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ नाम का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका नाम आ चुका है, जो आपका पहला वाला नाम है। इसका जो भी आपको नाम रखना है नया नाम, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं डॉक्यूमेंट आपको एक अपलोड करना पड़ेगा, जो आप नाम सुधार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो इसमें आपको ढेर सारा डॉक्यूमेंट मिल जाता है, जो भी आपके पास है वो आपको यहाँ पर देख के आपको यहाँ पे डाल देना। जैसे यहाँ पे वोटर आईडी है, अगर स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड है, SC ST सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस है या आपके पास जो है आर्मी लाइसेंस है या आपके ऊपर देखिए आधार लेटर है,
तो आपको जो भी है आपको यहाँ पे डाल देना है, अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको फाइल अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती है तो डेट ऑफ बर्थ वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने में आ चुका है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है। नया डेट ऑफ बर्थ क्या रखना चाहते हैं आपको इस कैलेंडर में से चूज कर लेना है, आपको क्या रखना है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा उसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको पहले बताया हूँ। तो आपको जो डेट ऑफ बर्थ में सुधार करने के लिए आपका कौन सा डेट ऑफ बर्थ सही है, जिसमें आपका सही है, तो वो आपको यहाँ पे से चूज कर लेना है, यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे, यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ बोला श्योर आप जो है चेंज करना चाहते हैं, ओके वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको तीन जो है स्टेप यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपका प्रीव्यू यहाँ पे आपका शो कर रहा है, आपका पहले का जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आ चुका है, अभी जो चेंज कर रहे हैं वो आपको आ चुका है, क्या आप जो है प्रूफ देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ बोला जाएगा कि आप श्योर है, अगर है तो यहाँ पे ओके वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कुछ मिस्टेकिंग है तो कैंसिल वाले पे क्लिक करके आपको उसको सुधार करेंगे, हमको सही है तो यहाँ पे ओके वाले पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ क्या करेगा, पेमेंट गेटवे पे ले आके यहाँ पे ओपन कर देगा। यहाँ पे देखिए कि आपका जो है जो भी आप सुधार करवाना चाहते हैं वो आपके सामने में आ चुका है। यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो आ चुका है। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट वाले पे जाकर आपको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप टर्म को इस तरीके से एक्सेप्ट रहेंगे, यहाँ नेक्स्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से भैया आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट पे वाले पे क्लिक करेंगे, और जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको पेमेंट करना पड़ेगा 50 रुपीज का, तभी आपका जो है आधार कार्ड में आपको जो है एड्रेस चेंज हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए कार्ड का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, नेट बैंकिंग और पेटीएम। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग वाले पे मेरा है तो इस पे क्लिक करूंगा, बैंक चूज कर लेना आपका कौन सा बैंक में है, प्रोसीड वाले पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर ओपन कर दिया। अब अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉग इन वाले पे क्लिक करते हैं। जैसे लॉग इन वाले पे क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट से 50 रुपए कट हो जाएंगे और आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जो है करेक्शन हो जाएगा। सो गाइस इसी तरीके से जो है आप एड्रेस, नाम, आप कुछ भी जो है यहाँ से करेक्शन मतलब उसको जो है आप सुधार कर सकते हैं अपने आधार कार्ड में UIDAI के न्यू वेबसाइट से। सो गाइस आप बहुत ही इजी तरीके से घर बैठे बिना आपको आधार सेंटर जाए आप जो है अपने आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस जो है 85 रुपया में उसको करेक्शन करवा सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं बिना इधर उधर भाग दौड़ किए, बिना आपको जो है आधार सेंटर जाए, बिना दुकान में जाए। सो गाइस ये प्रोसेस आप जो फॉलो कर लेना है और इसी तरीके से आपको जो भी सुधार करना है उसको है इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्रोसीड टू अपडेट आधार वाले पे क्लिक करेंगे, आपके सामने में यहाँ पे आ जाएगा जो आपका यहाँ पे देखिए पहले से फीमेल, अगर आप उसको मेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आप इसको चूज कर लेंगे, मेल, फीमेल या ट्रांजेक्शन जो भी है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू दिखाएगा, पेमेंट वाले पे क्लिक करके आप बहुत ही ईजी तरीके से सुधार करवा सकते हैं। सो गाइस ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है जिससे आप बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन, कुछ भी सुधार करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करना है तो न्यू वेबसाइट से यहां से पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑफलाइन में KYC भी कर सकते हैं। तो आज अब तो आप सीख ही लिए होंगे किस तरीके से अपने आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस गलत है तो उसको जो है आप कैसे घर बैठे 85 रुपये में कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे करेक्शन कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।